हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कलर का बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बना के दिखाती हूँ। इस पैटर्न को आप लेडीज स्वेटर में, कार्डियन में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत ही आसानी से बनने वाला भी। इस पैटर्न को बनाने के लिए चाहिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे और एक फंदा उसमें हमें और जोड़ देना है। 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा और जोड़ देंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल ठीक से पैटर्न बन के आएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपना बॉर्डर बना ले, उसके बाद में हम अपना जो डिज़ाइन है वो डालना शुरू करते हैं। तो देखिए, साइड वाला जो फंदा है इसको हम बिना बुने उतारेंगे, और देखिए एक ये फंदा है इसको हम बना लेंगे। ऊन को आगे किया और इस फंदे को बिना बुने उतारा, और देखिए इस ऊन इस तरह से आगे है उतार के, फंदा दो फंदे हम सीधे बना लेंगे। और इसके बाद में इस फंदे को इन दोनों फंदों से उतार देंगे। ऊन आगे की, एक फंदा बिना बुने उतारा और ये दो फंदे बना लिए, और इस फंदे को इस तरह से दोनों फंदों से उतार दिया, ये बिना बुने एक और दो फंदे, और ये बिना बुना फंदा था इसको हम इन दोनों फंदों से इस तरह से उतार देंगे। ऊन को आगे किया, एक फंदा बिना बुने उतारा, और देखिए एक फंदा और दो फंदा, इस तरह से दो फंदे बना लिए और इस फंदे को इन दोनों फंदों से उतार लिया। इसी तरह से जो पहली सिलाई है हमें कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको डिज़ाइन नहीं ठीक से समझ में आएगा। अब देखिए साइड में भी दो फंदे बच जाएंगे, तो इनको भी हम, ये देखिए साइड के दो फंदे, इसको हमने बुना लिया और इस फंदे को बिना बुने उतार लिया। उल्टी सिलाई पे सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए दो सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद में हम तीसरी सिलाई पे आते हैं। तो इसको किस तरह से बनाया गया कि डिज़ाइन को, ये देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया और इस फंदे को भी हमने बना लिया। अब देखिए जो डिज़ाइन है वो, ये जो जाली हमने यहाँ पे बनाई थी तो वो हमें तीसरी सिलाई पे कहाँ पे बनानी है, देखिए इस फंदे को भी हमने सादा बना लिया और इस फंदे को भी बना लिया। देखिए ये जो हमारे तीन फंदे थे यहाँ पे, तो इसके जो बीच वाला फंदा है ये फंदा इस तरह से, यहाँ पर अब हम उनको आगे करेंगे और इस फंदे को, देखिए जाली के पास वाला फंदा है तो इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, और देखिए ये एक ही पिछली बार जो जाली का फंदा था इसको लेंगे और इसको भी इस तरह से बनाएंगे, और ये जो बिना बना फंदा था इसको अब इन दोनों के ऊपर से इस तरह से स्लिप कर देंगे। अब देखिए फिर से उनको आगे करेंगे। अब देखिए ये बीचों बीच का फंदा था तीन फंदों के, या ऐसे समझिए जाली के पास वाला जो फंदा है, तो इस फंदे को इस तरह स्लिप करेंगे और ये जाली वाला फंदा ये भी, और इस फंदे को भी हम उतार लेंगे। देखिए इस उतार लिया यहाँ पे हमने, ऊन को आगे किया और देखिए इस फंदे को हमें बिना बुने उतारना है, और ये देखिए उल्टी सिलाई पे सारे फंदे उल्टे ही बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स,
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ये पांच फंदे हैं। देखिए इस फंदे को हमने इस तरह स्लिप किया और ये देखिए एक दो फंदे, और हम यहाँ पे इस तरह से इन फंदों को उतार देंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पे इस साइड में तीन फंदे हैं, देखिए इस साइड में सारा चार फंदे थे और इस साइड में तीन। उल्टी सिलाई पे सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम सीधी सिलाई पे आते हैं। ये देखिए साइड के ये दोनों फंदे हमने यहाँ पे बना लिए। अब देखिए जो हमारा ये डिज़ाइन है, जो जाली बनाते हैं हम, तो ये बीचों बीच वाला फंदा है उसके पहले ही बनाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ये तीन फंदे बना लिए, बीचों बीच का फंदा ये है हमारा। तो इस तरह से ये जाली के पास वाला फंदा हमने उतारा था यहाँ पे बताया था आपको। तो ये देखिए इस फंदे को, जाली के जो पास वाला फंदा है, इस फंदे को अब हम उतार लेंगे। इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब देखिए ये देखिए ये जाली के पास वाला ये फंदा है, तो इसके पहले ही हमें जाली बनानी है। देखिए इस फंदे को उतारा, ये जाली के पास का फंदा है। देखिए इस फंदे को सीधा लिया और इस फंदे को भी, और इन दोनों के ऊपर से इस फंदे को हमने उतार दिया। हमारा डिज़ाइन है केवल दो सिलाइयों का ही है, लेकिन फंदे हर बार चेंज करने होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइए। आप इतना ध्यान रखिए, जो जाली है, ये जाली हमने जो पिछली सिलाई बनाई थी, तो उसके पास वाला ये फंदा है, तो उसके पहले ही हमें इस तरह से ऊन को आगे कर लेना है और इस फंदे को हमें उतार लेना है। तो आप डिज़ाइन को नहीं भूलेंगे, पैटर्न को। देखिए इस फंदे को हमने उतार लिया, अब हमारी यहाँ पर भी डिज़ाइन बन के आएगी। उल्टी सिलाई पे सारे उल्टे फंदे। फ्रेंड्स अब हम सीधी सिलाई फिर से आते हैं। देखिए उल्टी सिलाई बनाने के बाद में ये हमारा डिज़ाइन यहाँ तक बन गया है। अब देखिए ये साइड वाले, ये देखिए इस फंदे को भी हमने बिना बुने उतारा और इसको भी। अब हम देखिए आपको यहाँ से बताते हैं कि किस तरह से हमें आगे को डिज़ाइन बनाना है। देखिए ये जाली के पास का फंदा है, ये देखिए ये फंदा जाली के पास का, ये जाली वाला फंदा पिछली बार का, और ये हमारा सादा फंदा है। तो अब हमें यहाँ से ये ऊन को आगे किया और इस फंदे को बिना बुने स्लिप कर लिया। देखिए एक जाली वाला फंदा हो गया, एक ये हो गया। आपका जो डिज़ाइन है, अगर शुरुआत से अगर आपके फंदे सही रहेंगे, तो आपका जो डिज़ाइन है पूरी सिलाई ठीक से बन के आएगी और आपका डिज़ाइन बिल्कुल ठीक से बन के आएगा। तो आपको जब शुरुआत के फंदे बनाने हैं, तभी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए इसी तरह से आपका ये डिज़ाइन है बनता जाएगा। आप इतना ध्यान रखें, ये जो जाली है, इसके जो पास वाला फंदा है, इसी फंदे को हमें बिना बुने स्लिप करना है और उसके पहले हमें ऊन को आगे कर लेना है और इस तरह से सीधे फंदे बनाने हैं। तो देखिए और ये बनने के बाद किस तरह से दिखेगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बन के आएगा। देखिए बहुत ही प्यारा दिखता है ये डिज़ाइन। आप इसे कोटी में, साल में, मफलर में, ये बेबी के फ्रॉक में, किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकती हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला है। और ये देखिए इसके जो साइड के फंदे वो इस तरह से आएंगे, कभी दो रहेंगे, कभी तीन रहेंगे, कभी चार हो जाएंगे। देखिए और इस साइड में भी देखिए। फ्रेंड्स, मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।